अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप लोगों नाजिमस किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल और इजी मेथड में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, वो है चिली पटेटो। तो कैसे बनाते हैं चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑयल को पैन में गरम करके रेडी कर ली थी, इसको पहले से ही गरम करके रख दी थी मैंने, क्योंकि हमें पटेटो फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने फ्रोजन पटेटो ली हूँ, इसे हम फ्राई करेंगे ना। पटेटो को बॉईल करो, उसे कटिंग करो और इसे फ्राई करो, ये सब झंझट से मैं झंझट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये फ्रोजन पटेटो ली हूँ। इजी इजी जल्दी जल्दी बन जाए, जब हमें भूख लगे तो हम बनाए खाए और फिर इंजॉय करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने पटेटो को अच्छी तरह से फ्राई कर ली, देखो आप लोग देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी अच्छा कलर आ गया पटेटो का। और फिर मैं अभी इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर इसका हम सॉसेस भी रेडी करेंगे, क्योंकि चिली पटेटो बना रही हूँ तो सॉसेस तो चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से फ्राई हो गई है। चलिए अभी मैं ये सेम पैन में ही 2 से 3 टेबलस्पून जितना मैं ऑयल ऐड करूँगी, और जैसे ही गर्म होगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने हाफ जिंजर ली हूँ, उसे अच्छी तरह से चॉप की हूँ, और 6-7 कली लहसुन की है, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी। अभी इसे हमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोटे करना है, अच्छी तरह से सोटे करते सोटे करना है हमें, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी। तो अभी क्या सॉस ऐड करूँगी मैं अभी इसमें ऐड करूँगी 1 से 2 टेबलस्पून जितना चिली सॉस ऐड की हूँ मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सोया सॉस में 1/2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस ऐड करूँगी। इसके बाद मैं मैगी क्यूब से मेरे पास वो ऐड करूँगी। फिर चिली सॉस मैंने ली हूँ 1 टेबलस्पून, वो ऐड कर दी हूँ। और मैं अजीनोमोटो नहीं डाली हूँ, मैं वेज का मैगी क्यूब से ना वो डाली हूँ, वो ऐड करेंगे हाफ, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्ट होता है। मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं की हूँ क्योंकि ये सोया सॉस और वो वेज मैगी क्यूब्स डाले ना तो उसको भी सॉल्टी होता है, इसलिए मैंने सॉल्ट ऐड नहीं करी हूँ। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर ली थी, कॉर्नफ्लावर की स्टीरी बनाई थी, फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी इसे थिक करने के लिए। देखिए इस तरह से थिक हो गया है। फिर जैसे ही ठीक हुआ फिर मैंने ये जो फ्राई फ्रोजन पटेटो था ना वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी, ठीक है। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है पूरा पटेटो जो है वो अच्छी तरह से सॉसेस में मिल जाए। फिर मैं थोड़ा ये जो पैन है इसे मैंने थोड़ा इस तरह से घुमाने की कोशिश की, बट मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसे स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दी मैंने ये सब चिली पटेटो को। देखिए आप लोग कितना यम्मी 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 इतना टेस्टी बनाए ना, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। और ये फ्रोज़न पटेटो है, जल्दी जल्दी बना के रेडी कर सकते हैं, हमें जब भूख लगी तो हम ये फ्रोज़न पटेटो को लेके खा भी सकते हैं बनाकर। अभी मैं इसके ऊपर मैंने जो स्प्रिंकल आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करी थोड़ा टेस्ट लाने के लिए। इसके बाद मैं चिली फ्लेक्स है वो भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा इसका जायका आवे और खाने में भी टेस्ट आवे और बहुत ही मज़ा आए खाने में हमें। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा गार्निश के लिए मैं स्प्रिंग ऑनियन को अच्छी तरह से इसे गार्निश कर ली हूँ, क्योंकि इसका लुक भी अच्छा दिखना चाहिए ना, चिली पटेटो बना रहे हैं तो। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त दिख रहा है ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, आपकी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।